एक तो इंडिया की कंपनी, थोड़ी ऊंची कार चाहिए एसयूवी पहाड़ वहाड़ जाने के लिए। सेफ्टी का बहुत इशू इस बार मेरे को था, कि मतलब मेरे को तो मैनुअल कार ही पसंद रहती है। कोई भी ले लो, टॉप ले लो या कोई भी ले लो, मैनुअल ही ज्यादा मजा आता है। इंटीरियर है ना वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ये मतलब आगे 10 साल कहीं नहीं, तब भी 10 साल बाद भी कंपटीशन देने वाली है ये। और गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ में सार्थक, एंड सार्थक खरीद रहे नई नेक्सॉन। अब क्या रीजन रहा है, इन्होंने एक्चुअली अपलिफ्ट किया है होंडा सिटी से नेक्सॉन पे, अपग्रेड किया एक्चुअली। तो सार्थक ऐसा क्या था रीजन कि आप सेडान से स्ट्रेट अवे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पे आए, व्हाट वाज द रीजन? सबसे पहले तो एक एसयूवी चाहिए थी हमें, मेन चीज ये था कि सब घर वाले कह रहे थे कि अब थोड़ी ऊंची कार चाहिए एसयूवी पहाड़ वहाड़ जाने के लिए। तो हमने सोचा एक टाटा की कार है नेक्सॉन, बहुत बिक रही है, 50,000 मतलब बहुत इन्होंने गाड़ी भेजी है नेक्सॉन, तो ये बहुत पसंद आ रही थी हमें। तो हमने सोचा फेस लिफ्ट वर्जन आ रहा है नया नया, तो वो लेंगे अब। अच्छा, आपने जैसे एक इशू बताया कि आपको पहाड़ में जाने के लिए एसयूवी चाहिए, सिटी के साथ में कोई इशू है ऐसा कि आप पहाड़ में नहीं ले जा पा रहे हो या ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से? ग्राउंड क्लियरेंस की मेन दिक्कत रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नीचे से लग जाता है और तब एक तो मूड खराब होता है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पहाड़ में, तब दिक्कत रहती है। पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ माइंड कम है उसमें, ये तो प्रॉब्लम है। तो एक चीज और, जो आप सिटी चला रहे हो वो भी पेट्रोल है? हाँ जी पेट्रोल है। तो इस बार भी आपने पेट्रोल ले लिया, सिटी इज मैनुअल? हाँ वो मैनुअल या ऑटोमेटिक है? ये ऑटोमेटिक है, एएमटी है? एएमटी है, एएमटी है ना? हाँ जी वही एएमटी है। ओके, आपने एएमटी लिया, तो इस बार एएमटी पे क्यों गए आप? बेसिक रीजन तो मेरे फादर का था, उनको नीज में इशू था, तो वो कह रहे थे कि एएमटी लेना, बस इस वजह से उन्होंने बस बोला कि इस बार एएमटी ही लेंगे। मतलब मेरे को तो मैनुअल कार ही पसंद रहती है, कोई भी ले लो, टॉप ले लो या कोई भी ले लो, मैनुअल ही ज्यादा मजा आता है मेरे को चलाने में, उसमें फील आती है। पापा को बेसिकली ज्यादा चलानी थी, तो वो कहते हैं एएमटी ले लेते हैं इस बार। अच्छा, तो आपको नई गाड़ी अभी खरीदनी थी, आप मुझे ये बताओ कि नेक्सॉन के अलावा इसके क्रॉस कॉम्पिटिशन में और कौन कौन सी गाड़ियां देख रहे थे? हमने एक तो थार देखी। अच्छा, थार भी देखी? थार देखी। थार रियर व्हील ड्राइव या 4x4? 4x4 देखी थी हमने, लेकिन वो फैमिली कार नहीं लगी हमें, क्योंकि उसमें स्पेस पे डिक्की विक्की कम थी, फिर पीछे लेडीज को भी जाना होता है, तो उनको भी सीट आगे बार बार करो वो, और फिर घर वालों ने देखा माइलेज भी कम थी, किसी ने बताया घर में अगर खड़ी करनी है 2 दिन ले जाने तो ले लो थार, मतलब थार पे भी दिल था हमारा, लेकिन वो फैमिली कार नहीं थी। फिर हमने एक एलिवेट देखी, होंडा की, लेकिन इसका जो इंटीरियर है ना वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ये मतलब आगे 10 साल कहीं नहीं, तब भी 10 साल बाद भी कंपटीशन देने वाली है ये बाकी कार्स को, ये इस वजह से ये ज्यादा मेरे को मन था। और टाटा, बेसिकली तो टाटा लेने का ज्यादा मेरा फोकस था। क्या रीजन है ऐसा टाटा की तरफ ही गए? एक तो इंडिया की कंपनी, अच्छा मतलब बाकी भी है, लेकिन फिर उसके बाद इसकी सेफ्टी रेटिंग, सेफ्टी का बहुत इशू इस बार मेरे को था, क्योंकि बाकी कार मैंने इतने एक्सीडेंट देखते हैं बहुत वो रहता है, इसमें सेफ्टी का बहुत इशू था, तो मतलब मुझे वो आजकल वीडियो इतनी आ रही है, आप भी इंस्टा पे आपको दिखती होंगी, तो इसलिए सेफ्टी के पर्पस से मैंने बहुत लिया है। इस वजह से तो एक तो आपने मेरे को थार 4x4 बताई, व्हाट अदर ऑप्शंस वर यू लुकिंग, या आपने कोटेशन लियो कहीं से? या जिम्नी देखी, विटारा ब्रीजा देखी, विटारा ब्रीजा भी सेम सेगमेंट में ही आ रही थी, लेकिन ब्रीजा का इंटीरियर पुराना जैसा ही है, इंटीरियर इसका बहुत ही अलग है, अब शायद महंगी गाड़ियों में भी नहीं आया होगा जैसा इसका इंटीरियर है, इसलिए मेरे को ये ज्यादा बेटर लगी, पसंद आई। अच्छा, ये कौन सा वेरिएंट है? क्रिएटिव प्लस एएमटी है ये। क्रिएटिव प्लस एएमटी, कितना पड़ा ये ऑन रोड? ये 1438 का पड़ा हमें, 1438 का। फेयरलेस में और इसमें तकरीबन कितने का अंतर है? 1.5-2 लाख का फर्क था, 1.5-2 लाख रुपए का। तो ऑलमोस्ट एएमटी नहीं आता, उसमें सिर्फ डीसीए है, डीसीए आता है, करेक्ट। तो वो तो मेरे ख्याल में 1650 के करीब जा रही होगी, 16 के आसपास, ऐसी 1650-16 के आसपास ही थी। करेक्ट करेक्ट। तो आपका क्या मानना है, मतलब व्हाई डिड यू ऑप्टेड अ पेट्रोल ओवर अ ओवर एन ईवी और आई वुड से ओवर अ डीजल? ईवी का तो ये था कि ईवी घर वालों को पसंद नहीं इतनी, मतलब ठीक है उसमें वो ईवी उसके लिए है जो बार 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 चला रहे, रनिंग जिसकी ज्यादा है, हमारी रनिंग भी फादर नहीं चलानी है, कम है। फिर उसके बाद लोग मतलब अभी ये हमें ट्रस्ट इशू भी था घर वालों को कि पहाड़ पे चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी, दो ईवी भी बहुत पावरफुल है इसकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रस्ट इशू था। फिर महंगी, फिर महंगी थी, फिर 5 लाख की तो बैटरी उसकी शायद, नॉट श्योर, बस इतने के आसपास ही थी उसकी, नहीं वो भी कुछ टाइम बाद खराब हो गई, तो वो उसकी प्रॉब्लम। पर ईवी भी मुझे इसका ईवी का डिजाइन भी बहुत प्यारा लगा, मैं तो बोलता था कि ईवी ट्राई कर लो, लेकिन वो कहते पेट्रोल ही बेस्ट है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अगर जस्ट इन केस का फेसलिफ्ट नहीं आता तो आपकी चॉइस क्या होती? पुरानी नेक्सॉन बुक कराए थे। अच्छा, पुरानी वाली का टॉप मॉडल बुक कराए थे हम, उसका टॉप मॉडल हमें इसके बराबर ही मिल रहा था, सस्ता ही शायद मिल रहा था, बट फिर इसकी डिलीवरी थी 6 महीने की। ओके, इस वजह से हमने कार चाहिए थी थोड़ी अर्जेंट, तो पुरानी का टॉप मॉडल मैंने बुक कर दिया, लेकिन फिर वो किसी तरह जुगाड़ लगाया, बात इधर उधर करी, तो हमें ये मिल गया जल्दी, मतलब 15-20 दिन महीने के अंदर हमें मिल गई है गाड़ी, एक महीने के अंदर मिल गई, महीने के अंदर। अरे वाह, तो आप तो लग ही रहे बहुत इस मामले में। नवरात्रों में ही बोला था चाहिए, नवरात्रों के पहले दिन में मिल गई हमें कार। अरे सार्थक, इसके लुक्स के बारे में आप क्या कहोगे, कैसे लगते हैं लुक्स? लुक्स तो आप ही देखो इतने, मतलब मुझे बहुत क्लासी लगा इसका लुक। एक्सटीरियर में इन्होंने काफी चेंज किया, साइड को छोड़ के फ्रंट
हेडलाइट्स पीछे की इधर आगे सब बहुत चेंज। बेस वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं एलईडीज के साथ में, डीआरएस भी यहां पर दी गई है। बेस वेरिएंट में और 6 एयरबैग्स आपको ऑफर कर रहे हैं। वो मेन चीज वो सेफ्टी, मैंने आपको सबसे पहले बोला सेफ्टी पर्पस बहुत था। फिर उसके बाद टॉप मॉडल में और इसमें बस एक फर्क है कि गुड बाय और हाई फीचर वाला जो वो फीचर नहीं है इसमें, बाकी उसमें बस वो है। बस भाई इसका फर्क है टॉप मॉडल और इसमें, वो भी मतलब इतना वो खास नहीं है। मेरे ख्याल में इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी फर्क है और वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग वो थोड़ा इंटीरियर का थोड़ा फर्क है, जैसे उसकी स्क्रीन का फर्क है, वो स्क्रीन पूरे उसके नॉच छोटे हैं, इस वाले के नॉच थोड़े से ज्यादा है। करेक्ट। अच्छा एक चीज और, महिंद्रा XUV 3W है वो भी 5 स्टार रेटेड है, तो वो देखी थी लुक में, नहीं लुक में पसंद नहीं आया महिंद्रा की XUV 300, लुक में मजा नहीं आया मेरे को। मतलब लुक में मैं कहूंगा एक तो थार पसंद आई, फिर ब्रीजा बाहर से ठीक है पर इंटीरियर बहुत बेसिक वो बताया, एलिवेट थोड़ी, एक तो सेगमेंट भी वो थोड़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन फिर फ्यूचरिस्टिक देखनी थी, ये ज्यादा उन्होंने कर दिया, वो अभी भी ठीक है। चलो साइड में एक बार साइड में देखते हैं। एक तो इसके अलॉय व्हील्स, अलॉय व्हील अपग्रेड कर दिए, पहले अलॉय व्हील अलग थे, अब दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप छोटे वेरिएंट देखोगे ना तो इसी तरीके की व्हील कैप्स हैं उनके ऊपर और रियलाइज ही नहीं होते यहां कहीं ना कोई कार खड़ी होगी जिनके व्हील कैप्स ऐसे से ही है। करेक्ट। और ये ORVM भी मेरे ख्याल में ये हैरियर वाला है, 360 कैमरा है और इसमें पीछे तो वाइपर भी ऊपर थोड़ी कम लगेगी मेरे को, लेकिन स्पेस इसमें मेरे को बाकी कार से, जैसे ब्रीजा हमारे पास दो घर में किसी के पास ब्रीजा उनके पास भी लगा, तो उनमें भी स्पेस ऐसी ही है ऑलमोस्ट। ये 4 मीटर के अंदर की है ना एक्चुअली, और होंडा सिटी तो 4 मीटर से ऊपर की है। होंडा सिटी में बेसिकली बस लेग स्पेस बहुत ज्यादा है, मेरे हाइट है तो मुझे बस लेग स्पेस का थोड़ा रहता है, पीछे वाले को शायद दिक्कत रहे थोड़ी, जो मेरे ड्राइवर जनरली तो आप ही चलाओगे गाड़ी को। हाँ, जब मैं चलाऊंगा तो पीछे वाले को दिक्कत रहे क्योंकि मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए, लेकिन वैसे ठीक है। पीछे से चलते हैं, पीछे से तो मतलब लुक एकदम ही चेंज नहीं, कनेक्टिंग लैंप्स आ गए हैं, लैंप वैम्प कर दिए, फिर मतलब बढ़िया कर दिया उन्होंने। इसके बारे में कह रहे थे आप, वाइपर ना, वाइपर हिडन है इसमें तो नीचे को, इनफैक्ट डिफॉगर इस वाले वेरिएंट में नहीं है, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में रखी, इसमें बस एक मेरे को कमी लगती है, डिफॉगर भी दे सकते थे ये लोग। और कुछ बस लोगों को लगता है कि शुरू में इंटीरियर का जो टच सिस्टम है वो कंफ्यूजन आ सकती है, पर वो होंडा सिटी में भी ऐसा ही है, तो हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ लोगों को आ सकते हैं मे भी, लेकिन हमें नहीं आ। इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो डिजिटल है इसका, डिजिटल है वो, बिल्कुल डिजिटल है इसका, वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये भी इसमें फीचर है। हां उसमें मैप्स वगैरह आ जाते हैं, और सनरूफ भी नहीं है इस वाले वेरिएंट में, सनरूफ हमारे में भी नहीं है, सनरूफ क्रिएटिव प्लस एस में है, उसमें और इसमें 50,000 का फर्क है, दो फीचर का फर्क है, एक सनरूफ का और एक हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो सार्थक तकरीबन एक महीने बाद हम लोग आपको कांटेक्ट करें, एक कस्टमर ओनरशिप रिव्यू बनाते हैं, जानते हैं एक महीने यूटिलाइज करने के बाद में सार्थक कितने अच्छे हैं जज करने में नेक्सॉन को, कैसी उनको परफॉर्मेंस लग रही है, और होंडा सिटी से भी कंपेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलो थैंक यू सो मच सार्थक हमारे चैनल पे आने के लिए। ओके, टेक केयर।